Assalamu alaikum, myself Azad from RV Junkie. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you are doing well and good. Guys, आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आऊँ ये है ललिका वाइट 2008 का लॉन्च है. काफ़ी सारे इसके रिव्यूज़ बन चुके हैं. कुछ इस तरह का ये इसका बॉक्स दिखता है और आज हम इसका ऑनेस्ट रिव्यू बनाएंगे और आपको बताएंगे क्या ये वर्थ इट है आप लोगों के पैसों के लिए या इट्स टोटली फ्लॉप. ठीक है, काफ़ी बड़ा बॉक्स है और मेरे ख्याल से ये यस 125 ml. मैं भी कहूँगी मेरी स्क्रीन में क्यों नहीं आ रहा ये देखें. अच्छा खासा बड़ा. तो ये इसका बॉक्स था और सिंपल सा बॉक्स है और ये इसकी बॉटल है. ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे सेंड किया. ठीक है, मेरा अपना नहीं है क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें लेना प्रेफर नहीं करता और बस उन्होंने मुझे काइंड इनफ थे कि मुझे लेंड कर दिया कि मैं उनके इस परफ्यूम की रिव्यू बना सकूं और आप लोगों के लिए बता सकूं कि वाकई में आप लोगों के लिए आपके पैसों के लायक है कि नहीं. ठीक है, ये कुछ इस तरह दिखती है बॉटल. यहाँ इसकी डिटेल्स वगैरह मेंशन है और हाँ, इसका कैप ऐसा है कि इस तरह करे तो बस आराम से निकल आए, इतना लाइक कैप है इसका. ठीक है, तो चलें इसके बारे में अब डिटेल से रिव्यू करते हैं. मैंने ऑलरेडी इसकी स्मेल करी भी है और मैं आपको भी दिखाता हूँ. इसका ये कैप है, ठीक है, प्लास्टिक का कैप है और ऊपर ऐसा लगता है कि मेटल की फिनिश है, अंदर से पूरा प्लास्टिक है. ठीक है, ये देख लें, कोई इतना फैंसी नहीं है. और ये हमारा एटोमाइज़र है और इसकी स्प्रे भी चेकआउट कर लें. एटोमाइज़र काफ़ी बेहतर है, आई वुड से आउट ऑफ 100 75% ज़बरदस्त है. ठीक है, ओके, वाओ. ये परफ्यूम लिटरली उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ग्रीन मस्की फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है. ठीक है, जो गॉर्मेंट वाली साइड पे रहना चाहते हैं, स्वीट गॉर्मॉन्डिश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस प्रेफर करते हैं, डेफिनेटली आप कैन यू कैन स्किप दिस वीडियो बिकॉज दिस वन इज नॉट ऑन योर कैटेगरी लिस्ट. ठीक हो गया. स्किन पे मैंने सोचा ये मुझे डिफरेंट देगा, पेपर पे डिफरेंट देगा, लेकिन नहीं, ये उन सेंस में से नहीं है जो स्किन पे अलग स्मेल देते हैं और पेपर पे अलग. पेपर पे ये मुझे लेमनी जेस्टी ग्रीनिश, ठीक है, ग्रीन आपको बताने की जरूरत नहीं है, सामने ग्रीन लगा हुआ है. कोई भी ग्रीन चीज़ उसकी एक अपनी यूनिक सी स्मेल है. ठीक है, चाहे वो ग्रास है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो पौधे हैं. ठीक है, मैं फ्लावर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रीन लीव्स की, ग्रीन मिंटिश किस्म की, इस तरह की ग्रीन स्मेल यूनिक सी इसके अंदर आती है. थोड़ी सी स्पाइसी है, मस्की है. ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ डिटर्जेंट वेयर किया हुआ, जैसे कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट होता है उस तरह से, या लेमनी जेस्ट बर्तन धोने वाला साबुन होता है, आई मीन वो जो लक्स क्या कहते हैं उसे, लिक्विड होता है, उस तरह की थोड़ी सी वाइब. लाइक इस तरह दिखाना फ्रेश कोशिश करी लेकिन मस्क डाल के सत्यानाश कर दिया. एंड अगेन, मुझे मस्क इतना ज्यादा सूट नहीं करता. मुझे एम्ब्रोक्सन थोड़ा बहुत सूट कर जाता है, एम्बरग्रीस सूट कर जाता है, लेकिन मस्क नहीं सूट करता. और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एम्ब्रोक्सन, एम्बरग्रीस, मस्क, ये वो चीज़ें, ऊद, ये वो चीज़ें कि हर किसी की स्किन पे अलग रिटेलिएट करते हैं या हाउ ऐसे निखर के आते हैं. हर किसी की स्किन पे वो डिफरेंट स्मेल प्रोवाइड करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं. आप सोचेंगे मेरा, मुझे मेरे दोस्त के ऊपर स्किन पे इतना अच्छा ज़बरदस्त मस्क की स्मेल, उसने परफ्यूम लगाया था, क्या बता आप लगाएं तो उसमें आपको बैड स्मेल आए. तो इसलिए नो, आई वोंट रिकमेंड दिस वन. आई मुझे नहीं पता मेरे सब्सक्राइबर मेरे भाई एहतशाम को ये इतना अच्छा क्यों लगा, लेकिन आई डिडंट लाइक दिस मच. आई वुड नॉट प्रेफर दिस अनलेस यू आर अ मस्की फ्रेग्रेंस लवर. फिर भी मैं कहूंगा कि आप ओमाई सेंस से इसका डेकेंड ले लें पहले. ठीक है, अगर कहीं से भी इसको डेकेंड मिले या पार्शल मिले या किसी आपके दोस्त के पास हो, इससे पहले स्निफ आउट कर लें अपनी स्किन पे. ठीक है, पेपर पे नहीं, स्किन पे स्निफ आउट कर लें. अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ जी ये वाकई में आप पे सूट करेगा, तब यू गो फॉर दिस वन. वो भी गर्मियों के चंद एक टाइम के लिए, जो हाई हीट वेदर जो होता है ना गर्मियों का, उसमें आप इसे लगा सकते हैं. लेकिन अगेन, मस्क डिफ्रेंशिएट करता है आपकी आपकी बॉडी टोन, आपकी बॉडी स्किन लैंग्वेज के ऊपर, आपके ऑडर के ऊपर, आपके स्वेट के ऊपर. तो जिसमें भी मस्क है, आई वोंट रिकमेंड दैट मच ब्लाइंड बाय. सो आउट ऑफ 100 आई वुड से 3% मेरे से रिकमेंडेड है, बाकी 7% पहले इसको अप्लाई करें, टेस्ट करें, डेकेंट करें, उसके बाद बेशक लें.
लेकिन वरना आई वुड जस्ट, मेरे हिसाब से मुझे तो ये 3% ही लगा है आउट ऑफ 10। मुझे इतनी इसकी पसंद नहीं आई स्मेल। हाँ लास्टिंग में नो डाउट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्शन भी अच्छी देता है, तकरीबन 2 to 3 hours की आपको प्रोजेक्शन देता है। उसके बाद ये थोड़ा सा लाइक आर्म आर्म डिस्टेंस के करीब रह जाता है। उसके पहले ये आपको तकरीबन 3 to 4 feet तक एक सैंड बबल बनाता है। नो डाउट रूम फिलिंग परफ्यूम की स्मेल है इसकी। आप रूम में जाएंगे तो रूम में अजीब सा लाइक पूरे रूम में खिलर जाएगी, ऐसी स्मेल है इसकी। सैंड बबल काफ़ी अच्छा बनता है इसका, प्रोजेक्शन इसकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन स्मेल इसकी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अगर आप लोगों को पसंद आती है, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करें कि भाई आपके स्किन के साथ मस्क, मुझे भी देखना है कि मेरे सब्सक्राइबर में मस्क प्रेफर करने वाले उनकी स्किन पे ज़्यादा वर्कआउट करता है कि नहीं, या मेरे पास टोटली ऐसे ही हैं जो मेरे जैसे हैं जिनके ऊपर मस्क बिल्कुल सूटेबल नहीं है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगेन यूनिसेक्स भी मैं ऐसे कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसे बिलो एवरेज पॉइंट्स दिए हैं, सो बात करने का उस पर बहस करने का भी फायदा भी नहीं है। तो आई वुड से नो, 0 to my book। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, लास्टिंग मैंने आपको बता दिया है, प्रोजेक्शन बता दिया है, स्मेल का बता दिया, लेकिन अगेन ग्रीन और मस्क इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। अब बहुत कम नीश हाउसेज हैं जो इसे पुल आउट कर सकते हैं, मानसेरा वगैरह ललित नहीं कर पाया। हाँ बस लोगों को ये अभी भी यूट्यूब पे आप जाएंगे तो इसकी फ्री की तारीफें कर रहे होंगे, लेकिन अब जिस प्राइस टैग में ये आ रहा है आई वॉन्ट रिकमेंड दिस वन। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और अगर आपको भी ऐसा लगा कि मेरी वीडियो ऑथेंटिक है और मैंने सच बात करी, आपको भी ये परफ्यूम की, अगर जिन भाइयों ने उसको यूज करा और उनको भी मेरी जैसा फील आया, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, बिकॉज आप लोगों के एफर्ट ही, ये जो थम्स अप वाली एफर्ट है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, 1000 सब्सक्राइबर, एवरी 1000 सब्सक्राइबर पे मैं गिव अवे करूंगा। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। आजाद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।